दोस्तों नमस्कार मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आज 20 मई आज मैं आप लोगों को एक जबरदस्त सब्जेक्ट दूंगा एनकैश समर वैकेशन वैकेशन शुरू हो चुका है और वैकेशन में हमने अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना चाहिए आई ऑलवेज यूज टू से इंश्योरेंस एजेंसी जैसा अच्छा करियर बहुत कम आपको दिखेगा जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है कुछ भी नहीं है आपको सिर्फ काम करने की आप में तमन्ना होनी चाहिए हर चीज को आप एनकैश कर सकते हो हर चीज को आप एंजॉय कर सकते हो आपकी लाइफ को एंजॉय करते करते इस प्रोफेशन में आप आगे बढ़ सकते हो इस विषय पे अभी समर में अपने बिजनेस को एनकैश कैसे करना वेकेशन एंजॉय करते करते लाखों रुपए का कमीशन अगर इस महीने में कमाने को मिल जाए तो किसको पसंद नहीं आएगा तो इस विषय पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों में पांच पांच मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच में ये टॉपिक मैं कवर करूंगा एनकेश समर वैकेशन तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक एनकेश समर वैकेशन मुझे पता है छोटे शहर के अंदर भी जब मैं चला गया तो वहीं के लोग नहीं होते हैं वहां से 100 किलोमीटर दूर उनका गांव है 200 किलोमीटर दूर उनका गांव है 150 किलोमीटर दूर उनका गांव है और इस शहर के अंदर में वो रहते हैं तो सोचो मेट्रो सिटी के अंदर में रहने वाले लोग है उनका गांव चार किलोमीटर दूर तीन किलोमीटर दूर पांच किलोमीटर हजार किलोमीटर दूर अगर समर वैकेशन के अंदर में एटलीस्ट साल में एक बार आप लोगों ने अपने गांव को विजिट करना चाहिए अपने नेटिव प्लेस को विजिट करना चाहिए अगर आप अपने नेटिव प्लेस को अगर आप विजिट करते हैं तो देखिए क्या होता है रिश्तेदारों को मिलने का मिलना हो जाए और साथ साथ में वहां से आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के आ सकते हैं। देखिए हम लोग पैन इंडिया काम कर सकते हैं पूरे इंडिया में कहीं भी भी इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी बेच सकता है ये तो आपको शायद पता ही होगा तो अगर आप आपके गांव में आपके रिश्तेदारों से अगर पॉलिसी लेके आते हैं और आपके ब्रांच में आके आप डिपॉजिट करते हैं डेफिनेटली आप ये काम कर सकते हैं सो यू मस्ट विजिट योर नेटिव प्लेस नॉट ओनली योर बट अपने वाइफ का नेटिव प्लेस है आप उनको भी विजिट कीजिए अगर इफ यू आर लेडी एजेंट तो आपके हस्बेंड के गांव को विजिट कीजिए आपके खुद के गांव को भी विजिट कीजिए तो दो गांव से मुझे ऐसा लग रहा है एक टारगेट लेके अगर आप चलते हैं कि कम से कम दो दो लाख रुपया मेरे को प्रीमियम एक गांव से मेरे को लेना है तो दो गांव मिला के चार पांच लाख रुपए का प्रीमियम आपको हो जाएगा दोस्तों तो इस तरह से आप एन कर सकते ये पहला पॉइंट मैंने बताया कि विजिट योर एंड योर वाइफ नेटिव place. Let us share a second point. चलो गांव जाके तो आ गए अच्छी बात है लेकिन गांव में आप बोलोगे मुकेश भाई गर्मी मौसम है हम तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं टेम्परेचर 50 का है यहाँ क्या एंजॉय करेंगे कोई बात नहीं रिश्तेदारों को मिल लिया चार पांच दिन में वापस लौट के आ जाओ आप अब क्या करोगे आप सेकंड प्लान योर वेकेशन विथ टूर ऑपरेटर के साथ में कहीं पे प्लान करो कई सारे ऐसे डेस्टिनेशन है जहां पर आप जा सकते हो आप शिमला कुल्लू मनाली जा सकते हो आप उटी जा सकते हो आप दार्जिलिंग जा सकते हो आप मसूरी जा सकते हो नैनीताल जा सकते हो कई सारे ऐसे प्लेस है जहां पे कुल रहता है जहां पे टेम्परेचर इन दिनों के अंदर में इतना हाई नहीं होता है तो वहां पे आप टूर ऑपरेटर के साथ लेकिन जाइए कई बार एजेंट मेरे को बोलते हैं मुकेश भाई टूर ऑपरेटर महंगे होते हैं टूर ऑपरेटर थोड़ा पैसा ज्यादा लेते हैं देखिए एक इंश्योरेंस एजेंट को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑपरेटर के थ्रू जाते हैं तो कम से कम 30 35 कपल आपके साथ और होंगे इसका मतलब आपके पास तीस ऐसे लोग होंगे कोई डॉक्टर हो सकता है कोई इंजीनियर हो सकता है और अच्छे बड़े टूर ऑपरेटर के पास जाइए और एग्जीक्यूटिव पैकेज लीजिए महंगा वाला पैकेज लीजिए ताकि उसमें बिजनेसमैन हो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हो उसमें एडवोकेट हो उसमें बड़े बड़े लोग हो तो ऐसे लोग कब आते हैं कि जब बड़ा पैकेज होता है एग्जीक्यूटिव पैकेज होता है तो उसके अंदर भले पैसे लग जाएंगे आप सोचिए अगर दो कपल ने भी आपको पॉलिसी दिया और चार पांच लाख रुपया प्रीमियम दे दिया आपका तो पैकेज फ्री हो गया ना भाई इवन

साथ जो तीस पैंतीस लोग हैं इनके तो संपर्क में हम रहेंगे एक काम और हो सकता है कि आप जहां घूमने गए हैं तो वहां पर भी आपके शहर से आए हुए लोग बहुत हो सकते हैं उस समय अगर आपने होटल के मैनेजर से अगर आपने तीन चार अलग अलग डेस्टिनेशन पे आप जाएंगे तो होटल के मैनेजर के पास से अगर दोस्ती बना के उसका जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में आपके शहर से आए हुए लोग अगर उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस अगर आपने फोटो स्नैप मार के ले लिया और मुंबई में आके आप गाँव में, अपने शहर में आप उन को कर सकते हैं एक एक मुझे याद है, एक मनाली गया हुआ था ने जी को फोन किया और बोल रहा है सर बड़ा अच्छा है यहाँ मनाली में हनीमून के लिए आया हूँ और यहाँ पर मैंने एक काम किया मैंने क्या किया मेरी होटल में जो रुके हुए लोग हैं वो रजिस्टर में से मैंने सब लोगों के नाम और एड्रेस ढूंढ लिए बस अभी वापस मैं दिल्ली आऊंगा और दिल्ली आके उनके ऊपर अगर वर्क किया तो देखो हनीमून टूर का सारा पैसा जो है वो वहां से निकाल देगा कनेगा पर्पस ये तीसरे पॉइंट पे भी आप ध्यान दे सकते हैं मैं चौथा मुद्दा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा आपके जितने भी वेंडर्स हैं जो सीजनल बिजनेस में कमाते हैं जो लोग जैसे टूर ऑपरेटर्स होते हैं तो इस बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं आप एक काम कर सकते हैं जैसे मैंने आपको कहा कि आप टूर जब ऑपरेट करते हैं टूर ऑपरेटर के थ्रू आप जब जा रहे हैं वेकेशन में जा रहे हैं तो उस समय आपके टूर ऑपरेटर को कुछ रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपने आपके टूर ऑपरेटर को आपके कुछ क्लाइंटों का रेफरेंस दिया अगर उनमें से दो चार क्लाइंट अगर आपके साथ में आ गए ये दो चार क्लाइंट आपके लिए एम्बेसडर का भी काम करेंगे और साथ साथ में टूर ऑपरेटर को आपकी तरफ से दो चार क्लाइंट मिले हैं तो आप वापिस आने के बाद आप टूर ऑपरेटर के पास से उसने और कई डेस्टिनेशन के अंदर में टूर ऑपरेट किया है और वहां जितने लोग गए हैं उसका भी एड्रेस अगर आपको चाहिए तो ये टूर ऑपरेटर आपको जरूर देगा क्योंकि आपने सहयोग किया है आपका नेचर उसको सहयोग का दिखा है तो वो जरूर आपको भी सहयोग करके देगा जो भी कैटरर्स है इन दिनों में शादी की मौसम होती है तो कैटरर्स है फोटोग्राफर्स है स्टेशनरी वाले हैं यूनिफॉर्म वाले है, बच्चों की स्कूल शुरू होनी होती है तो उन दिनों में उनके पास भी लिक्विड फंड अच्छा आता है पैसा अच्छा आता है तो उन दिनों में हम उनको ज्यादा अप्रोच कर सकते हैं वेकेशन के पीरियड के अंदर में और पांचवा मुद्दा फेसबुक सब देख रहे हैं व्हाट्सएप देख रहे हो आप इंस्टाग्राम देख रहे हो आप आप जरा सोचो कि फेसबुक के ऊपर कितने लोग फोटो अपलोड करेंगे ये सब वैकेशन में आपके रिश्तेदार आपके आपके दोस्त, आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं ये सब लोग फेसबुक के ऊपर में फोटो अपलोड करते हैं ये फोटो देख के आपको समझ जाना चाहिए कि मेरी फलानी पार्टी दुबई जाके आई मेरा फलाना प्रोस्पेक्ट या मेरा फलाना दोस्त वो सिंगापुर जाके आया मेरे फलाने रिलेटिव वो यूरोप टूर मार के आए ये आइडिया मुझे कहाँ से मिला पता है दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि मैं सेशंस लेता हूं तो बहुत सारे एजेंटों के संपर्क में रहता हूं डीओ के संपर्क में रहता हूं तो उनसे बहुत सी आइडिया मेरे को मिलती है मेरा FTS क्लास था पुना का और उस एफटीएस क्लास के अंदर में हमारे पार्टिसिपेंट है हालांकि वो मुंबई के है लेकिन मुंबई से उस क्लास को एक मिस किया था उन्होंने मुंबई का क्लास वो पुना में अटेंड करने आए थे उन्होंने ये बात बताया कि मेरे फेसबुक के ऊपर मैंने देखा कि मेरा एक पॉलिसी होल्डर जिसको पांच साल पहले मैंने पॉलिसी बेचा हुआ था वो आदमी यूरोप टूर मारा और उसके फोटो अपलोड किए थे तो मैं हैरान हो गया मैं सोच रहा था कि ये तो बहुत मिडिल क्लास आदमी था तो पांच सालों के अंदर में इसने इतनी तरक्की कर ली कि ये आदमी यूरोप टूर मारा वो भी फैमिली के साथ में तो कम से कम दस बारह लाख रुपए का मामला होता है बोले सर मैं उसके पास पहुंचा और उसको जाके मैंने पॉलिसी समझाई थोड़ा संपर्क पहले टूटा हुआ था संपर्क बनाया उसके बाद में मैंने पॉलिसी की बात की सर अच्छा खासा मैं उसके पास से प्रीमियम उठा के लेके आया शायद अभी इतना याद नहीं मुझे लेकिन कुछ सात आठ लाख रुपए का प्रीमियम उन को उस पार्टी से मिला था तो उससे मुझे ये आइडिया आई, आई कि आप फेसबुक के ऊपर जब हम फोटो देखते हैं तो उन पार्टियों को हम बाद में टैप कर सकते हैं अरे वाह आप यहां आए, वा, आए। चलो आप घूम घूम के 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 आए आए वहां चलो घूमने पीछे इतना खर्च कर रहे हो ये घूमना पसंद है तो फिर जिंदगी भर तक घूमना पड़ेगा रिटायर होने के बाद भी घूमना पड़ेगा और उसकी तैयारी हमको अभी से करनी पड़ेगी सो तो व्हाट्सएप के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर आपके जितने भी आपके रिश्तेदारों के इस तरह के फोटो आते हैं आप उनको टैप कीजिए तो ये हो गया दोस्तों पांच मुद्दे ने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए अगले हफ्ते अब मैं आपके बीच में सत्ताईस मई को बीच में रखूंगा सो अगले हफ्ते की वीडियो देखना भूलिएगा नहीं और ये वीडियो अगर अच्छी लगी आपके दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह से समर वेकेशन का बेनिफिट उठा सके थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल लव यू ऑल थैंक यू